जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेक न्यूज अपडेट आ रही है, बेहद ही ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि आज कर्नाटक में एक सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा हो चुका है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार यह दर्दनाक हादसा कहाँ पर हुआ है। दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि कर्नाटक के हावेरी में पूरे बेंगलुरु हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवल वाहन ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। बता दें कि इस सड़क हादसे में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी लोग एक मंदिर से दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे, उसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें कि यह हादसा कर्नाटक के हावेरी में पूरे बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बता दें कि एक टेम्पो ट्रेवलर वाहन ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी और बता दें कि टक्कर मारने से इस बड़े हादसे में 13 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों बता दें कि प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला है कि ये जितने भी लोग आ रहे थे वो मंदिर से दर्शन करके घर वापस लौट रहे थे और बीच रास्ते में ही यह बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेक न्यूज अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हादसे के बीच यहाँ पर दो बच्चे भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि टक्कर मारने से पूरा का पूरा जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और बता दें कि जो उसके अगल बगल पैदल लोग जा रहे थे वो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट भी करा दिया गया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी औरों के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी दुखद खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। और यह जो घटना हुआ है वो कर्नाटक के हावेरी में पूरे बेंगलुरु हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो ऐसे में आप इस घटना को सुनकर के क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।